वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल सद्दाम ब्लॉग में आज हम बनाने जा रहे हैं फिश करी और आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या डलता है। ये आपका काली मिर्च हो गया, ये जीरा हो गया, ये सरसों हो गया, ठीक है। और ये हमारी ये फिश है, हमने फ्रीजर में रखा हुआ था तो आइस मेल्ट होने के लिए मैंने इसमें पानी डाल रखा और जिस मेल्ट होने के बाद इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। और ये हमारे भाई ने रेडी कर रखे हैं प्याज, लहसुन और मिर्ची, ये इस सब को मिला के इसको और हमारे ये जो हमने मसाला ले रखा है इन सबको ग्राइंड कर देंगे ये मिक्सी में। ये हमारा पतीला भी रेडी है। हमें लग गई है भूख तो हम क्या करें, अभी तो खाना बना नहीं है तो हमने अभी अनार को छील लेते हैं इसको, फिर छीलने के बाद फाइनली हमने इसको छील लिया, देखें। और इसको हम खा लेते हैं और खाने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी कुकिंग। फिर आपको हमने फिश भी हमने धो लिया इसको अच्छे से और साथ ही में हमारा मसाला भी रेडी हो चुका है जो मैंने आपको दिखाया था, वो सब मैंने रेडी कर लिया है। और इसमें हम मसाला लगा के इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में, मैंने ये मसाले लगा के फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए रखे थे। अब हम इसको करेंगे फ्राई। हमने इसमें तेल डाल दिया है और इसको थोड़ा गर्म होने के लिए हम वेट करेंगे। जब गर्म हो जाएगा अच्छी तरह तो हम इसमें मच्छी फ्राई करेंगे और आपको हम दिखाते हैं। अब ये हमारा तेल गर्म हो चुका है और हम इसमें डालेंगे एक एक मच्छी। ये देखें, ये अच्छे से तेल गर्म हो गया है। ये देखें ऐसे करके डाल देंगे हम तेल। ये पता नहीं, वीडियो फर्स्ट टाइम बनाना सीख करेगा, देखते हैं कैसा बनता है। जैसा भी होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फ्राई करने के बाद, फिर आपको दिखाते हैं। इसको बीच बीच में हम इसको पलटेंगे, देखें क्या बेहतरीन कलर निकल रहा है, आ रहा है। इसको ज़्यादा गैस की जो है आगे ना ज़्यादा तेज भी ना रहे, मतलब मीडियम में रहे, उससे आप इसको फ्लेम अपना मीडियम रखें और इसको फ्राई करें, अच्छा सा फ्राई होगा। फाइनली हमारा ये मच्छी फ्राई हो चुका है। अब हम रखेंगे पतीला। हमने जो तेल में फ्राई किया था वही तेल को हम इस्तेमाल करेंगे, इससे ये होगा कि हमारे फिश करी में अच्छा आएंगे और टेस्टी होंगे। आप दूसरा भी तेल यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब क्या करेंगे, जो हमने मसाला मिक्सी में इसको पेस्ट किए थे इसी मसाले को हम इसमें डाल देंगे। ये देखें, इसको अच्छे से डाल देंगे, ठीक है। और इसको अच्छे से इसको चलाएंगे तेज आंच पर, मीडियम हो उतना भी तेज नहीं, इसको अच्छे से चलाएंगे। जब ये ब्राउन हो जाए अच्छे से, अपना तेल छोड़ने लग जाए, उसके बाद में इसमें फिर पानी हम ऐड करेंगे। इसको हम इसको ढक देंगे और एक दो मिनट के बाद इसको देखेंगे। इसमें साथ ही कश्मीरी पाउडर डालेंगे जिसके कलर अच्छा है, थोड़ा डालेंगे। उसके बाद में फिश मसाला डालेंगे, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको अच्छे से चलाएं, जब तक इसमें से तेल ना छोड़ दें। देखो कलर चेंज हो रहा है इसका, इसको अच्छे से चलाना है आपको। ये मैं फर्स्ट टाइम फिश बना रहा हूँ, नहीं पता कैसा बन रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो और भी तरह आते रहेंगे, मैं कुकिंग कर रहा था सोचे चलो इसी का ब्लॉग बना कर हम डाल देते हैं। प्लेट के लिए ढक देते हैं और बारी बारी इसको चेक करते रहेंगे। तेल छोड़ने लग गया है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम उतना ही ऐड करेंगे जितना आपको
थोड़ा तो थिकनेस चाहिए क्या चाहिए, उतना ही करें जितना आपको अपने अनुसार कर सकते हैं। मुझे जितना चाहिए उतना ऐड कर ले रहा हूँ, जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने पानी ऐड कर लिया। इससे भाई यार आपकी ड्यूटी 10 से 15 मिनट के लिए ढक देंगे, बॉईल करेंगे, उसके बाद में फिश को ऐड करेंगे इसके अंदर। अगर पहले डाल देते हैं तो क्या होगा, उससे फिश टूट जाएगा। फाइनली ये हमारा सालन रेडी हो गया, अब देखते हैं कैसा बना है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया, जिस जिस भाई को खाना है वो आ जाए जद्दा में। चले तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। ओके, गुड बाय।